काफ़ी अच्छी है, देखने जैसी है। एक्चुअली हम आर्मीज़ को लेकर किसी मूवी को देखते हैं ना, तो ये कॉमन है कि हम इंडिया पाकिस्तान ही देखते आए अब तक, बट ये थोड़ा सा यूनिक है जेपी दत्ता के थ्रू कि हम इस बार इंडिया और चाइना को देख रहे हैं कि चाइना ने क्या क्या किया था, 62 में क्या हुआ था, इंडिया ने उसका बदला कैसे लिया। तो लोग थोड़ा यूज टू हो गए थे इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक पर, बट चाइना थोड़ा न्यू टॉपिक है और मूवी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली लास्ट के हाफ एन आवर में, जहाँ थोड़ा सा स्टोरी जो है जज्बात से जुड़ी हुई है, लोगों के इमोशंस के जो शहीद हो गए उनकी फैमिली क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें आम पब्लिक तक नहीं आती है, तो मूवी के थ्रू ये सारी चीज़ें आम पब्लिक तक आ रही है। मल्टीपल कास्ट है, तो किसका काम सबसे अच्छा लगा आपको, क्या वीक लगी आपको? सबके अपने अपने रोल, सब अपने अपने रोल में परफेक्ट हैं। मतलब ऐसा है कि जिसको जो रोल दिया गया वो अपने बैकग्राउंड में ठीक है, आई थिंक शायद उनका रोल चेंज किया जाता तो शायद वो ठीक नहीं थे, बट तो सब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। आई थिंक अगर 100% जो एक्सपेक्ट करते थे हम ये कह सकते हैं कि 95% तो खरे उतरे हैं, बट जी ऐसे सीरियस टॉपिक पर काम करना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ तो आप देख ही लेते हैं। सपोज अगर आप किसी मेडिकल बैकग्राउंड के बंदे से पूछेंगे तो वो मिलिट्री के जो ट्रीटमेंट हुए वो उसको फोकस करके आपको आंसर देगा, बट अगर आप किसी इंजीनियर से पूछेंगे तो यहाँ पर इंजीनियर्स का रोल भी दिखाया गया है कि वो लोग कैसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आज के जो पैट्रियोटिक फिल्में बन रही है उसमें सबसे बेटर माना जाए, इस साल की सबसे बेटर मूवी है माना जा सकता है, बट अभी साल बाकी है, अब तक तो ये कह सकते हैं कि ठीक है बेटर है, जो कोशिश की गई है कोशिश काफ़ी अच्छी है और बेटर फिल्म मानी जा सकती है। कितने स्टार देने हैं आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 मैं 3.5 देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सर इस टाइम कैसी लगी पर्टन? ठीक ठाक थे, मतलब मुझे उतना मतलब इट वाज अ गुड फिल्म एक्चुअली। मल्टीपल कास्ट है मूवी, तो सबका काम कैसा लगा आपको? जहाँ तक द बेस्ट कैरेक्टर आई वुड से वाज दैट ऑफ पोर्ट्रेट बाय हर्षवर्धन राणे, और उसके अलावा जैकी श्रॉफ रियली हेल्ड हिज ओन एंड ही वाज प्रीटी गुड। इट वाज अ डेजा वू फीलिंग बॉर्डर का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। जेपी दत्ता जो इसके लिए फेमस है, उनका काम कैसा लगा, आज भी वो दमखम है? जेपी दत्ता इज अ लेजेंड, आई मीन उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली जैसी बात होगी, तो आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन दैट। ही इज़ अ मास्टर फिल्म मेकर, और उनके फिल्म मेकिंग तरीके और टेक्निक्स आज तक वैसे के वैसे ही हैं। अभी अक्सर देखा जा रहा है कि आज पैट्रियोटिक फिल्में बहुत बन रही है, तो ये माना जा सकता है कि इस साल की सबसे बेस्ट मूवी है ये पैट्रियोटिक फिल्म? पैट्रियोटिक फिल्म्स, कौन सी पैट्रियोटिक फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो अभी पेट्रियाटिज़म में पलटन के अलावा अभी और कोई मूवी आई है मेरे जहन में नहीं है, पर दिस वाज डेफिनेटली अ गुड शो। दिस वाज टॉकिंग, दिस पर्टिकुलर फिल्म वाज टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच पीपल बैली न्यू अबाउट, तो उस चीज़ को रिवाइव करना, लोगों के सामने लेके आना, वाज प्रीटी कमेंडेबल। डायरेक्शन से ज़्यादा मैं बोलूँगा सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा था, डायरेक्शन का लास्ट पार्ट तो आई मीन इट वाज आउटस्टैंडिंग। जेपी दत्ता इज नोन फॉर हिज वॉर फिल्म्स एंड हिज वॉर सीन्स वर कमेंडेबल। सिनेमाटोग्राफी वाज ब्यूटीफुल, स्प्रॉलिंग लैंडस्केप्स, वंडरफुल स्काइज, नाइस कलर कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड। इसे देखना चाहिए? 3/5। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पेट्रियोटिक फील देती है, एंड बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, बिकॉज द कैरेक्टर्स वर ऑल रियलिटी बेस्ड, द लोकेशन एवरीथिंग, और बहुत जन नहीं जानते इस वॉर के बारे में, तो आई थिंक द रिसर्च वाज वेरी गुड। सो मल्टीपल कास्ट है, तो क्या कुछ देखने मिला आपको पर्दे पर? सबके परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअली बहुत अच्छे थे, स्पेशली हर्षवर्धन राणे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आई वुड फील जेपी दत्ता की इसीलिए फेमस है, वो इस तरह के काम के लिए कितना पसंद आया उनका काम? बहुत पसंद आया, आई मीन पर्सनली LOC और बॉर्डर जितनी खड़ी नहीं उतर पाई, बट द अटेम्प्ट वाज गुड, दिख रहा था कि रिसर्च परफेक्ट हुआ है, परफॉर्मेंसेस अच्छा हुआ है, एंड डायरेक्शन वाज गुड, द सॉन्ग्स वर आल्सो नाइस। ओवरऑल स्टोरी लाइन वाइज अच्छी थी, थोड़ा मूवी को खींचा गया है, आई मीन द स्क्रीन प्ले कुड हैव बीन मोर बेटर इन सम पार्ट्स, बट ओवरऑल द मूवी इज नाइस, परफॉर्मेंसेस वर गुड। बहुत सारे थे, द लास्ट में जब उनके एशेज उनके फैमिली को पहुंचाते हैं तभी सोनू निगम का एक गाना है, वो बहुत हार्ट टचिंग है, एंड सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, वो या बहुत नॉस्टैल्जिक फील देती है। बेस्ट नहीं बोलूँगी, बट या अच्छी थी, बिकॉज एक अटेम्प्ट था टू शो अ वॉर विच इज़ नॉट
वेल नोन टू पीपल, तो लोगों को देखनी चाहिए जस्ट टू रीलिव एंड पे रिस्पेक्ट टू द सैक्रिफाइस यू नो द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर. कितने स्टार देना चाहेंगे आप आउट ऑफ 5? 3. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसी लगी फिल्म का मुझे दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा लगा. क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है. शुरू थोड़ा सा धीमी गति से हुई थी. संवाद इसके थोड़ा सा कमज़ोर मुझे लगते हैं. मनोरंजन के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत थोड़ी सी कम थी, लेकिन क्लाइमेक्स जैसे जैसे करीब आया मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म का क्लाइमेक्स. मल्टीपल कास्ट थी तो क्या कुछ पर्दे पर देखने मिला? इतनी सारी कास्ट थी और जेपी दत्ता की फिल्म थी, देशभक्ति से भरपूर थी, तो अदाकारी सब ने बेहतर की है, लेकिन मुझे हर्षवर्धन राणे प्रभावित कर गए हैं. उन्हें अच्छे डायलॉग मिले थे, उन्होंने अच्छे से उसे बोला भी है. बाकी लोगों ने अच्छी अदाकारी की है, लेकिन इस तरह की कहानी जो है हमने बॉर्डर में देखी थी, LOC में देखी थी, तो इस बार जाहिर है कि मेरी उम्मीदें ज़्यादा थी, तो उन उम्मीदों को ये छू नहीं पाई है. अपनी आप में ये जो नथुला की जो लड़ाई थी वो बेहतर है. जैसे कि मैंने बताया, हर्षवर्धन राणे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं वो, और सोनू सूद है, उन्होंने कोशिश अच्छी की है, और उसके अलावा अर्जुन रामपाल है, उन्होंने भी अच्छा से काम किया है इसके अंदर. एक्ट्रेसेस ज़्यादा उनके लिए कुछ था नहीं, लेकिन सोनल चौहान छोटी सी जो भूमिका मिली थी उसमें वो अच्छी लगती हैं. स्टोरी और रिसर्च की बात करें तो कितना खरे उतर पाए जेपी सर? ये एक बड़ी लड़ाई नहीं थी. सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि नथुला की जो ये एक चीन को पीछे धकेलना था, वो हमारी बाउंड्री में अंदर आए थे, तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है. जवानों की जो ज़िंदगी है उसे बहुत अच्छे से दिखाया है. लेकिन इसके साथ साथ दर्शकों को जो मनोरंजन की ज़रूरत है ना, वो अगर फिल्म थोड़ी छोटी हो जाती, लोग देखना चाह रहे थे कि हमने किस तरह से चीन को खदेड़ा है पीछे, तो वो आते आते बहुत देर हो जाती है, तो हमारा जो सब्र है वो शायद दर्शकों का वो इम्तिहान दे जाएगा. वो शायद मुझे लगता है कि तब तक हम अपने पेशेंस खो देंगे. सबसे बेटर तो सिर्फ एक ही है, बॉर्डर. JP दत्ता साहब की सराहना उसके लिए जितनी की जाए उतनी कम है, ये उससे कम है. अच्छी फिल्म है, क्लाइमेक्स के लिए हम इसे देख सकते हैं. ये फिल्म बहुत लंबी है, इसे छोटी हम कर सकते थे, और छोटे छोटे किरदारों की जो कास्टिंग है वो और अच्छी हो सकती थी. फिल्म के जो संवाद हैं जो और अच्छी तरह से लिखे जा सकते थे. कैसे कि आजकल इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे पास देखने के लिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस पर बहुत सारे लोग अलग अलग कोट्स डालते रहते हैं, तो इसके अंदर की जो डायलॉग है मुझे ऐसा लगा कि रटे रटाए डायलॉग्स हैं, वो दिल को मेरे छू नहीं रहे थे, लेकिन अंत जब करीब आया, जब क्लाइमेक्स मैंने देखा, तो वहाँ मेरे अंदर की देशभक्ति जागी और मुझे अच्छा लगा कि शायद कुछ तो मुझे इस फिल्म से मिला क्लाइमेक्स से. म्यूज़िक इस फिल्म की एक कमज़ोर कड़ी है मुझे लगता है. बॉर्डर की बात अगर आप जैसा कर रहे थे तो उसका म्यूज़िक बहुत स्ट्रांग था. आज भी आप उसके गाने गाते हैं, म्यूज़िकली पर उसके गाने छाए हुए हैं, लेकिन पलटन की जो म्यूज़िक है वो इसकी एक कमज़ोर कड़ी है. बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है जिस तरह से होना चाहिए बॉर्डर के हालात को बयां करने के लिए, लेकिन गाने हिंदी सिनेमा जो है फिल्म है उसकी एक मज़बूत आधार होता है. वहाँ पर भी थोड़ा सा JP दत्ता चुक गए. फिर से मैं नहीं, अभी इसे नहीं देखना चाहूँगा, लेकिन दर्शक एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं. इसे 5 में से क्लाइमेक्स को और इतनी मल्टी स्टार कास्टिंग है, अच्छी अदाकारी भी है, तो 3 स्टार बनते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.